देश के जाने माने उद्योगपति अशोक गोयल मंगालीवाला, बीजेपी के 2 बार से इलाहाबाद सीट से प्रत्याशी पवन बेनीवाल और करनाल से लोक दल के उपाध्यक्ष सरदार कंवरजीत सिंह ने एनडीए गठबंधन का दामन छोड़कर हरियाणा कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार के घटते जनाधार और खट्टर सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण लोग कांग्रेस की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के मुताबिक किसान खट्टर और मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस परिवार को लगातार मजबूत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी से इनका मोह भंग हो चुका है। एक समय में इन्हें शायद लगा होगा, लेकिन समय बीता गया और इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक टोटल फेलियर साबित हुई है। हरियाणा में बीजेपी जजपा सरकार जो भी तक अब तक कार्य किया है वो जन विरोधी कार्य है। आज के दिन सबसे ज़्यादा हमारा किसान मजदूर जो व्यथित है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, गरीब आदमी की, व्यापारी की, सबकी, सब नागरिकों की लड़ाई लड़ने के लिए इन साथियों ने कांग्रेस का दामन थामा है। इन 3 बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने अलग मुद्दे पर किसानों के हक में आवाज उठानी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि भारी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। मैं विदेश से अपनों की सेवा करने आया हूं, अपने भारत माता की सेवा करने आया हूं, हरियाणा की सेवा करने आया हूं, मैं अपनी जन्मभूमि हिसार की सेवा करने आया हूं, मैं अपने ग्रामीण किसान की सेवा करने आया हूं। मुझे सेवा करते करते किसी राष्ट्रीय दल का साथ चाहिए था, तो वो मुझे आज मिला है। और राष्ट्रीय दल कांग्रेस है, मेरे दादा की पुरानी व्यवसायी पार्टी है, जहाँ मेरे दादा हरियाणा से सबसे पहले राज्यसभा MP बने। मैं सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, मैं प्रियंका जी के साथ, कुमारी शैलजा जी और साथ में बंसल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं अपनी पार्टी को, अपनों को मजबूत करूँगा और सेवा का कार्य चलता रहेगा। किसान की हालात देख के जो बीजेपी ने किसान की हालात किए हैं आज के दिन, जो दूरदर्शा है और जो प्रदेश के और देश के हालात है वो देख के, और मैंने भाजपा छोड़ के आज कांग्रेस ज्वाइन की है। कृषि कानून, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और हरियाणा में अपराध से खराब होती स्थिति का आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है। इलाहाबाद सीट के जल्द संभावित उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को अच्छे नतीजों की भी उम्मीद है। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।